हम और टाइटल से आप समझ चुके होंगे कि हम क्या बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं अक्षरा सिंह के वायरल MMS वीडियो की, जिसे अक्षरा सिंह का बताया तो जा रहा है, लेकिन आपको बता दें वीडियो की शुरुआत में ये अक्षरा सिंह का नहीं है, लेकिन अक्षरा सिंह का नहीं है, अक्षरा सिंह के नाम को बदनाम किया जा रहा है। तो इस पर अक्षरा सिंह को कड़ी कार्रवाई तो करनी चाहिए उन लोगों पर जो अक्षरा सिंह के नाम पर इस तरह की गिरी हुई और नीच हरकत कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि फिर वो वीडियो चाहे जिसका हो, उसे किसी भी एक्ट्रेस का नाम देकर या किसी का भी नाम देकर वायरल करना क्या सही है? क्या सही मायने में भोजपुरी इस कदर गिर चुकी है कि कुछ व्यूज़ के लिए और कुछ पैसों के लिए इस कदर नीच हरकतें की जाए? वैसे भी जैसे भोजपुरी आगे बढ़ती है, उसके साथ कुछ न कुछ खेल कर दिया जाता है। अक्षरा सिंह इन दिनों भोजपुरी का जाना माना नाम है, भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। अक्षरा सिंह भोजपुरी को लेकर हर एक रंग मंच पर जाती हैं अक्षरा सिंह। ऐसे में अक्षरा सिंह का, या यूँ कह लें कि अक्षरा सिंह के नाम को बदनाम करने की जो साजिश चल रही है, उसके लिए भोजपुरी को एकजुट हो जाना चाहिए और इस तरह के वीडियोस का पुरजोर विरोध करना चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये पवन सिंह के खेमे का काम है, तो आपको हम अभी क्लियर कर देते हैं कि अगर पवन सिंह या उनके खेमे को ये काम करना रहता तो वो अक्षरा सिंह से ब्रेकअप के 3 साल तक का इंतज़ार नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, पवन सिंह इस तरह की या उनका खेमा इस तरह की नीच हरकतों में कभी शामिल नहीं हो सकता। जो लोग कर रहे हैं इस तरह के वीडियोस को सपोर्ट, उनके लिए आगे आने वाले दिन निश्चित काफ़ी भयंकर बीतने वाले हैं।